इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जनपद उन्नाव के ग्राम बबुरहा में दलित बेटियों के साथ निर्मल हत्याकांड को लेकर बसपा प्रतिमंडल के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन और इसके साथ ही साथ बसपा कार्यकर्ताओं ने कुछ जानकारी दी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता लवकुश कुमार यादव की वीडियो रिपोर्ट में, समझते हैं। मौत हुई है, उसके परिजनों को आर्थिक सहायता के लिए कुछ मांग करते हैं। उसमें भी ये भी है कि 50-50 लाख रुपए जो लड़कियां मरी हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, उनको आवास और जमीन के पट्टे दिए जाए ताकि उनका परिवार आगे जीवन बसर कर सके। ठीक, देख रहे हैं अपने जनपद बाराबंकी में हो चाहे अलग हो, ज्यादातर दलितों पर ही अत्याचार क्यों होता है, इसी घटना दलितों के साथ ही क्यों होती है, इसका क्या कारण है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। भाजपा सरकार में गुंडे माफिया सरकार चला रहे हैं, सरकार के संरक्षण में बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं जी। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। अनुसूचित जात के बहन बेटियों के ऊपर तो चरम सीमा पर उत्पीड़न हो रहा है, साथ साथ अन्य समाज की महिलाओं पर भी उत्पीड़न हो रहा है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से महिलाओं बहन बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। जैसा कि अभी माननीय बाबू जी ने बताया कि जो है सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वास्तव में माननीय योगी जी से जो है सरकार संभाली नहीं जा रही है। हाँ, उन्होंने वादा किया था, नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज यहाँ पर बेटी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। बहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो उनका पूरी तरह से खोखला हो गया है। चाहे बाराबंकी हो, हाथरस हो, आगरा हो, उन्नाव में लगातार कई घटनाएं हो गई और कई घटनाएं आज जो दूसरी तीसरी घटना है उन्नाव की, इतनी बड़ी घटना, इतनी जघन्य घटना जो मानवीय मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटनाएं हो रही हैं, सरकार इस पर भी अगर चुप है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। धन्यवाद।